खबर झांसी तरह से है। यहाँ स्थित सरसई बालू की चाट की दुकान है, जिनके द्वारा दुकान के बाहर टेबल रखकर अवैध तरीके से अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है। इसकी सूचना नगर पालिका को लगी तो कर्मचारियों ने दो बार नोटिस दिया, लेकिन दुकान में अतिक्रमण नहीं हटाया गया और आज सुबह नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। फिर क्या था, गुस्साया दुकानदार संचालक मनोज गुप्ता ने नगर पालिका की ट्रॉली में रखी टेबल बाहर फेंक दी और बोले कि टेबल नहीं लड़ जाओगे, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। और नगर पालिका कर्मचारियों ने गाली गलौज कर दी, वो मारने तक उतारू हो गया, खुद ही अपने सामान को फेंकने लगे, लूट की बात करने लगे। ये ड्रामा घंटों तक चला, देखने वालों की भीड़ लग गई। हम आपको बता दें कि अभी थीम रोड ही शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया का सपना है, तो वहीं ऐसे दुकानदार अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर थीम रोड की चकाचौंध को प्रभावित कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब नगर पालिका का कर्मचारी शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। बात करें यार, जिक्र तरीका है टेबल अंदर रख रहे हो ना, जिक्र तरीका है लूट कबाड़े का, टेबल अंदर क्यों रख रहे हो हमें, टेबल नहीं ले आओ, मैं बताऊंगा यहाँ से, मैं करूँ टेबल ले आओ, तो सरकार लोगों में भी हाल है, आती थी तुम्हारी सबकी, टेबल क्यों ले रहे थे, मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ टेबल के लिए आ रहा करता हूँ, जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ टेबल क्यों ले आ रहा करता हूँ, मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ, मेरा शादी है लड़की की, मैं बैल बन गई, कैसी बात, ये मुख बन गया जाकर, क्या राजे बुला दूंगा 5 मिनट में, मैं कोई ऐसी हल नहीं हूँ,